अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। हम वहां एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 खाटे होंगी। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीबी मिटाना, और हम गरीबी मिटाकर ही रहेंगे। दुर्गा बाई, थोड़ी देर तक तालियों का शोर सुन ले, बाद में यही लोग तेरा ऐसा स्वागत करेंगे कि तू इलेक्शन लड़ना ही भूल जाएगी। आप लोगों के साथ नहीं, हमें दोबारा इस इलाके से इलेक्शन लड़ने का हौसला दिया है। हाँ, तो हम उस अस्पताल के बारे में कह रहे थे जिसमें कोई खाते नहीं होंगी, नकली दवाइयाँ होंगी, नकली इंजेक्शन होंगे और जाहिल डॉक्टर्स होंगे जो तुम सबको सीधे शमशान घाट पहुँचा देंगे। हेलो हेलो हेलो, इस इलाके में एक भी शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ऐसा आधुनिक शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाले हैं जिसमें उसी अस्पताल से लाए और बेमौत मरे हुए गरीबों को मुफ्त में जलाया और दफनाया जाएगा। अरे क्या बकवास कर रही है? क्योंकि हमने सोच लिया है कि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, गरीबों को मिटाना। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। और उन्हें खत्म कर देना। अरे देखते क्यों, मारो इसको। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम मॉडल तो नहीं हो गए हो? तुम गरीब लोग चले कभी नहीं सुधरोगे। अरे तुम लोग तो गाली के ही काबिल हो। तुम्हारे घरों पर तो अब मैं बुलडोजर चलवा दूंगी। कमीनी हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। सबको मिटा कर रहूंगी, आग लगा दूंगी सबके घरों को। जी आप और ये पब्लिक आपके पीछे? वो सब बाद में बताऊंगी, यहां से जल्दी चलो। उल्टी पॉलिटिक्स छोड़, कैमरा डाल शुरू कर दे। थैंक यू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अंदर नहीं चलोगे? नहीं दुर्गा जी, इस घर में दोबारा आने को मन नहीं करता। दुर्गा देवी, अफसोस तो इस बात का है कि जिस इलाके को आपका घर समझा जाता है वही यह हादसा हुआ है। जहां के लोग आज तक आप पर फूलों की बरसात करते आए थे, उन्हीं लोगों ने आज अंडे और टमाटर बरसाकर अपनी पार्टी को बहुत परेशान किया है। और ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है, मगर जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम खूब जानते हैं आज जिन लोगों ने हम पर टमाटर और अंडे बरसाए हैं, वही लोग कल फूल भी बरसाएंगे। मगर इस इलेक्शन में तो आपको ऐसा मौका मिलना इम्पॉसिबल बात है दुर्गा देवी। क्यों? इसलिए कि इस हंगामे की वजह से आपकी टिकट वापस ले ली गई है। इस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हाई कमांड के हुक्म को कौन टाल सकता है दुर्गा देवी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। अब क्या होगा दुर्गा जी? हम लोगों ने इस इलेक्शन के भरोसे तो करोड़ों का कर्जा ले लिया है,
पोस्टर छप चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं। हमने तो कैनवसिंग के लिए 10 नई एम्बेसडर्स और 10 नई जीपे भी खरीद ली हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन भी उठा लिया है। मधु प्लीज कीप क्वाइट, चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो, हमें अकेला छोड़ दो। तू अब अकेली ही रहेगी दुर्गा भाई। मैंने भी तेरे दुर्गा निवास को जमीन दोज नहीं किया तो मेरा भी नाम मधु नहीं। मधु, इन पत्तों के बनाए हुए इस घर की तरह अब दुर्गा निवास की बुनियाद का पत्थर भी हमारे हाथ में है, जिसे हम जब चाहें इस तरह जमीन दोज कर सकते हैं। क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं, लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। हेलो, वर्मा कंस्ट्रक्शंस। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ, दुर्गा जी हैं? छगन भाई, एक मिनट, छगन भाई का फोन है, पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम नहीं हैं। हेलो छगन भाई, वो तो है नहीं, वो जरूर मीटिंग में गई हैं। अरे मीटिंग मीटिंग छोड़ो, हमें उल्लू मत बनाओ, हम लोगों को सब मालूम है। लगता है आपके टिकट छिन जाने का पता सबको चल चुका है। हेलो दुर्गा जी हैं? जी वो नहीं है जी, एक मिनट। हेलो दुर्गा देवी। हाँ जी, वो 12 बजे आएंगी, बाहर गई हैं। जी नहीं, एक मिनट। हेलो जी, वो नहीं है। अभी तो सिर्फ टेलीफोन की घंटियों से ही तेरी घंटी बज गई है, आगे देखना, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की। ओ, लगता है बुढ़ी मांगने वालों का हिसाब देख रही है। दुर्गा जी, दुर्गा जी, गजब हो गया, अब क्या हुआ? वो सब कर्ज मांगने वाले जबरदस्ती ऑफिस में घुसा है और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। अरे तुमने ये क्या किया? अच्छा उन सबसे कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। ठीक है। अरे वाह दुर्गा भाई वाह, रुपया लेते वक्त तो बड़े बड़े सपने दिखाती हो, 3% ब्याज दूंगी, 4% ब्याज दूंगी, और अब हमें टरकाने पे तुली हो। दुर्गा भाई ये छोटी छोटी हरकतें आप जैसे बड़ी हस्ती को शोभा नहीं देती। अगर हम पैसा देना जानते हैं तो वसूल करना भी जानते हैं। मगर छगन भाई, क्या हमें थोड़े दिनों की मोहलत नहीं मिल सकती? मिल सकती है, लेकिन हमें किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। बड़े आदमी की? एसके एंटरप्राइजेस के मालिक एसके साहब की गारंटी चलेगी? एसके? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे उनकी गारंटी को कौन टाल सकता है। तो फिर यूं समझ लो कि कल सुबह 11 बजे तक आप सबको अपने अपने ऑफिस में एसके साहब की गारंटी मिल चुकी होगी, मंजूर? क्यों भाई, मंजूर है ना? हाँ, मंजूर है। तो फिर चलो, चलो आओ, चलो। बेटी, ये एसके साहब कौन है और वो भला हमारी गारंटी क्यों लेंगे? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। आप उन्हें नहीं जानते लेकिन वो आपके पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राम राम।